द पीपल जो आज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? जो मैं समझाता हूँ, मुझे जो समझ में आया है इतनी लंबी जर्नी करने के बाद, कि जिस इंसान को खुद से बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी, यू नो लोग कहते हैं कि फॉल इन लव, मैं कहता हूँ कि राइज इन लव, यू नो अनकंडीशनल लव फॉर हु यू आर, और फिर उसके बाद जो मैजिक होता है ना, फिर वो दुनिया देखती है। इंफीरियरिटी हमारे अंदर इन्फ्यूज होती है आसपास के वातावरण से, पर उसमें क्या होता है, हमारे पास दो चॉइस होते हैं, या तो हम उसमें धस जाएं और खत्म हो जाएं, जैसे मैं था 16 इयर्स में, सुसाइडल था, मैंने ब्लेड पकड़ के अपने रिस्ट के आसपास थोड़ा घिसा है, पर वो मैं दबा नहीं पाया क्योंकि एक डर भी होता है इंसान के अंदर कि अरे दर्द होगा, खून निकलेगा, जो भी है। तो वो वहां तक पहुंचने का रीजन यही था कि भाई अंदर से मोहब्बत खत्म हो गई थी। वो गिफ्ट अगर आप पहचान लोगे जो आपके अंदर रब ने पक्का लगा के भेजा, आपकी हाइट कम है, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप जो भी आपको लगता है कि मेरे अंदर ये मिसिंग है, वो मिसिंग से फोकस उठा के जो है ना उसमें फोकस लगाओगे, तो फिर मैजिक जो है हर मोमेंट यू नो लाइफ में अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। सो कमिंग बैक, अगर इन्फिनिट कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि है, पहली बात एक्सेप्ट करो, और उसके बाद खुद से मोहब्बत करने की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करो।